सो स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर से दोबारा से। मैंने क्या कहा, वेन डायग्राम पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ए एक सेट है, बी एक सेट है, सेट को हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए माइनस बी को जानते हैं, ए यूनियन बी को भी जानते हैं, इंटरसेक्शन बी को भी जानते हैं, देखेंगे कैसे इनको डिफाइन करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखी है, यूनिवर्सल सेट दिखाया, ए दिखाया, बी दिखाया, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी दिखाया। ठीक है, चलो। सो ए माइनस बी भी दिखा देता हूँ, उसमें ए माइनस बी भी दिखा देता हूँ। ए माइनस बी का मतलब हो गया ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए का कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, वो है सिर्फ टू। सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, टू। ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो क्या है, टू। चलो आ जाओ, अब देखते हैं। मैंने कहा जब मैं एक वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो क्योंकि सेट को सर्कल की फॉर्म में रखते हैं हम, तो मेरे पास दो सेट थे, क्योंकि कौन कौन से सेट थे, ए और बी, दो सेट थे ए और बी, इसीलिए मैंने उन्हें सर्कल की फॉर्म में रखा। तो जब सर्कल की फॉर्म में मैं रखने गया, तो मेरे पास ये डाउट आया कि ये तीन तरीके हैं सर्कल रखने के। तो क्या तरीके, कि भाई एक में सिर्फ छोटा सा हिस्सा कॉमन हो, या दोनों के दोनों अलग अलग हो, या तो क्या हो, दूसरा पहले के अंदर पूरी तरह से आ रहा हो। तो ये तीन कुछ बातें कह रहे हैं, ध्यान से समझते हैं क्या कह रहे हैं। इसका मतलब है कि उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, देखो ये छोटा सा हिस्सा क्या दिखा रहा है। अगर मैं इस छोटे से हिस्से की बात करूं, तो ये छोटा सा हिस्सा ए में भी है और बी में भी है। ये छोटा सा हिस्सा ए में भी है और बी में भी है। चेक करो भाई, अगर मैं सिर्फ ए की बात करता हूं, तो ए तो ये पूरा है। अब अगर मैं बात करता हूं बी की, तो ये बी पूरा है, ये पूरा हिस्सा बी है। अब ये दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए जब मैं देखूंगा कि ए सेट और बी सेट में कुछ चीजें कॉमन है, तो मैं उसको इस तरीके से बनाऊंगा। जैसे ये आपके सामने देखो, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा देखो, इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट। कोई बोले डिसजॉइंट सेट बना के दिखाओ, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डिसजॉइंट सेट्स का। मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ए अलग बना दो, बी अलग बना दो। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए कहने का मतलब क्या है, बी पूरी तरह से ए के अंदर आ गया, तो बी के जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर होंगे ही होंगे, है ना। बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे, तो इसीलिए ये क्या है, सबसेट की नोटेशन है। क्या है, अगर बी सबसेट ऑफ ए जो है ये डिफाइन करा हुआ है मैंने, क्या है, बी सबसेट ऑफ ए, ये ड्रॉ कर रखा है। चलो खैर छोड़ो, एक बात देखते हैं। कहता है ए सेट क्या है, वन टू। वन टू का मतलब मान लो ए सेट है, वन टू इसके अंदर है। अब ध्यान से देखना, ए का मतलब वन टू, बी का मतलब वन थ्री, बी का मतलब वन थ्री। क्लियर है बात, ए का मतलब वन टू, बी का मतलब वन थ्री। अब अच्छा एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन हिस्सा क्या है, ये दोनों का कॉमन हिस्सा क्या है, ये नहीं है दोनों का कॉमन हिस्सा। तो अगर मैं दोनों का कॉमन हिस्सा की बात करूं, यानी कि कोई मुझसे बोलता है कि प्लॉट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी प्लॉट करके दिखाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी प्लॉट करने के लिए क्या करूंगा, जो ये वाला शेड कर दूंगा, जो बीच का हिस्सा कॉमन है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी दिखाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहा होगा, वन। ए इंटरसेक्शन बी में वन रहा होगा, तो इसका मतलब वन का है दोनों के बीच में। सिर्फ ए में कौन है, टू। सिर्फ बी में कौन है, थ्री। ए में क्या है, वन टू, बी में क्या है, वन थ्री, दोनों में कॉमन क्या है, वन। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को, क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, ओके चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं। वन कॉमन था, टू इसमें, पर एक बार डिसजॉइंट सेट बता दूं। डिसजॉइंट सेट, ये वाला डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो उसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे। एक काम करता हूं, एक एक करके सारे बनाता हूं, एक एक करके सारे बना देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। चलो सबको छोड़ो, एक एक करके वन बाय वन सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले देखना यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम की फॉर्म में ये मेरा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ए सेट, एक सेट ए बना रहा हूं मैं, एक सेट ए बना रहा हूं, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा ए सेट हो गया। ये कैसा सेट हो गया, ए सेट, सिर्फ ए की सेट है, सिंगल सेट। अब मैंने क्या बोला, ए एंड बी सेट एक में ही बना रहा हूँ। किसमें बना रहा हूँ, ए और बी सेट एक के अंदर ही। अब एक के अंदर बनाने के तीन तरीके थे, एक के अंदर बनाने के तीन तरीके थे, जो अभी ऑलरेडी डिस्कस करे मैंने। अब उन तीनों में से कौन सा बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन से सेट की बात चल रही है। बात समझ आ रही है? अगर उसमें कुछ कॉमन होगा, देखो ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो अगर दो सेट की बात हो रही है, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर सबसे पहला क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे,
दूसरा होगा नो कॉमन एलिमेंट, दूसरा क्या होगा नो कॉमन एलिमेंट, दूसरा होगा नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, और तीसरा क्या होगा सबसेट वाली सिचुएशन। कौन सी सबसेट वाली सिचुएशन? सबसेट वाली सिचुएशन। अब तीनों पे मैं आपको एक एक बनाकर दिखा देता हूं। अब इन तीनों के ऊपर मैं आपको एक वेन डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स की बात करते हैं। इस सिचुएशन को देखो, ये दोनों तो बहुत आसान है, ये वाली पहली और दूसरी सिचुएशन तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत इजी समझ जाओगे आप। इसमें देखना कॉमन एलिमेंट्स वाली बात करते हैं, ध्यान से देखो कॉमन एलिमेंट्स। अगर मान लो मैंने कहा ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो 1 2 3, बी एक सेट है 3 4। अच्छा इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है? हाँ इसमें कॉमन एलिमेंट है। अगर इसमें कॉमन एलिमेंट है तो कौन सा बनेगा? पहले वाला। इसका कौन सा बनेगा? पहले वाला। पहले वाले आप कैसे बनाते हैं? पहले वाले को फर्स्ट टाइप देख लो, फर्स्ट टाइप बनाते हैं हम, यूनिवर्सल सेट बना देंगे एक। अब इसका यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं है, तो मान लो यूनिवर्सल सेट होता क्या है इसका 1 2 3 4। अब ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट और ये बी सेट, ये क्या हो गया बी सेट। क्लियर है बात? ये ए सेट और ये बी सेट, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो ये कॉमन एलिमेंट वाली पिक्चर क्लियर है? सिर्फ ये बताओ कॉमन एलिमेंट वाली पिक्चर क्लियर है क्या? फर्स्ट पार्ट कॉमन एलिमेंट्स इस तरीके से बनेगा, क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखना सेकंड, नो कॉमन एलिमेंट। नो कॉमन एलिमेंट के लिए क्या करो, इसमें जो 3 कॉमन था वो हटा दो, इसी सेट को दूसरे के लिए समझने के लिए क्या करो 3 की जगह 5 डाल दो, 3 की जगह 5 डाल दो, यहां भी एक बढ़ा देना। अब इसमें क्या कुछ कॉमन है? अब इसमें कुछ कॉमन है? ए इंटरसेक्शन भी तो 5 है, कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इस बार क्या बन जाएगा? इस बार आपका ए सेट ये बन जाएगा और बी सेट ये बन जाएगा, ए सेट ये बन जाएगा और बी सेट ये बन जाएगा। क्या दूसरा क्लियर है नो कॉमन एलिमेंट? क्या दूसरा क्लियर है नो कॉमन एलिमेंट? बच्चों थम्स अप कर दो फटाफट। बाकी बच्चे ठीक है? ओके चलो, सो क्लियर है, नो कॉमन एलिमेंट्स वाला क्लियर हो गया। तीसरा सबसेट वाली सिचुएशन। सबसेट वाली सिचुएशन कौन सी होगी बेटा? सबसेट वाली सिचुएशन होगी जब मान लो बी सेट में डिफाइन कर रहा हूं आपको, मान लो ये है मेरा बी सेट, ठीक है, मान लो ये मेरा बी सेट है। अब एक बात बताओ, क्या ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं? हाँ, ए सेट के सारे एलिमेंट मुझे बी में मिल रहे हैं, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ए सेट जो है सबसेट है बी का, तो क्या ये बात गलत होगी? ए सबसेट ऑफ बी बोलना गलत होगा? नहीं, ये गलत नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, मैंने कहा यह यूनिवर्सल सेट है और ये सेट मेरा ए सेट है। अब बी सेट बनाने के लिए देखूं, अच्छा ए सेट बनाया होगा तो इसके अंदर क्या क्या रखा होगा मैंने? अगर मैंने ए सेट बनाया होगा तो मैंने इसके अंदर क्या क्या रखा होगा? मैंने इसके अंदर रखा होगा, अगर मैंने ए सेट बनाया होगा तो मैंने इसके अंदर रखा होगा 1 2 3। मैंने क्या रखा होगा? 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि ए जो सेट है वो सेट बी का सबसेट है, तो अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर क्या बी लिख सकता हूं कि जो बी है वो इसके अंदर आ जाएगा? क्या बी इसके अंदर आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बी के अंदर, ये तो कैसी सिचुएशन है? अगर ये बी सेट है तो बी सेट है इसका मतलब इसमें क्या क्या है? 1 2 3 4 5, इसके अंदर कहीं भी पड़ा हो सकता है 1 2 3 4 5। अच्छा 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 2 3 पड़ा हुआ है, इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, पड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब बी के अंदर ए सेट। बात समझ आ रही है? बी के अंदर ए सेट, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है। अगर बी सेट ये है, इसके अंदर सारे 1 2 3 4 5 पड़े हुए हैं, तो ए सेट इसके अंदर ही कहीं आया होगा। बात समझ आ रही है? ये एग्जाम्पल क्लियर है तो बताओ हाँ, नहीं तो बच्चों और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जनरल एग्जाम्पल लेके, नॉर्मल जनरल एग्जाम्पल लूंगा। समझ आ गया सर? सभी को आ गया? सर एलिमेंट्स नहीं लिखने? एलिमेंट्स नहीं लिखने बेटा, एलिमेंट्स नहीं लिखने, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, एलिमेंट्स नहीं लिखने होते इसमें, एलिमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था सबसेट वाली सिचुएशन, तो ये तीनों सिचुएशन क्लियर हो गई हमें। अच्छा अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना वो क्या करेगा, अब मुझे कुछ टास्क देगा, अब मुझे कुछ टास्क देगा, मुझसे कहेगा कि आप सिर्फ मुझे प्लॉट करके दिखाओ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे क्या प्लॉट करके दिखाओ वेन डायग्राम में? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लॉट करने के लिए क्या करूंगा? यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, ए सेट और बी सेट, ये क्या हो गया
दोनों का कॉमन हिस्सा। सो इस पोर्शन को क्या कह देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इस पोर्शन को क्या कह देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाली बात क्लियर है तो बोल दो, क्लियर है। चलो दूसरा देखो, दूसरा देखो ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी की डेफिनेशन देखते हैं पहले, ए यूनियन बी की डेफिनेशन देखते हैं। ए यूनियन बी की डेफिनेशन का मतलब क्या था कि अगर या तो क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से, या फिर एक्स बिलोंग करना चाहिए किससे, बी से। एक्स या तो ए से बिलोंग करे या तो एक्स बिलोंग करे किससे, बी से। यानी कि या तो वो ए में होना चाहिए या तो वो किस में होना चाहिए, बी में। भाई ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो, ध्यान से समझना क्या हो, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो अगर मैंने ये यूनिवर्सल सेट बोला, तो मैंने कहा ए सेट, ए सेट में होगा भाई, ए सेट में होना चाहिए उसे, या फिर बी सेट में हो, तो बी सेट के लिए भी पूरा शेड कर दूंगा। बात समझ आ रही है, क्या होगा, पूरा का पूरा हिस्सा ही शेड हो जाएगा, पूरा का पूरा हिस्सा ही शेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी में तो वो एलिमेंट होंगे ना, वो या तो ए में आते हो, ए में आते होंगे तो ए के अंदर होंगे, अगर बी के अंदर आते होंगे तो बी के अंदर होंगे। यानी कि ए यूनियन बी के अंदर हमें पूरा का पूरा दोनों सर्कल्स को ही क्या कर देना है, शेड। क्लियर है, ए यूनियन। सर एक बार और समझा दो। देखो एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। मैंने कहा ए यूनियन बी प्लॉट करना है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो वो ए में आना चाहिए या तो वो बी में आना चाहिए। तो मैंने कहा पहला ए में लाके दिखाओ। एक बात देखो, इसका मतलब है या तो वो ए में आना चाहिए या तो वो बी में आना चाहिए। तो मैंने कहा पहले ए में लाके दिखाओ, ए में लाके दिखाओ मतलब पूरा ए शेड कर दो, ए में लाके दिखाओ मतलब पूरा ए शेड कर दो। फिर उसने कहा या तो वो बी में आता हो, जरूरी थोड़ी है के अंदर पूरा शेड हो, क्या पता बी के अंदर आए हो। तो मैंने कहा अगर बी के अंदर आया होगा तो वो ऐसा रहा होगा। बात समझ आ रही है। अच्छा सर मान लो अगर उसमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो तो। अच्छा तो सारे एलिमेंट्स ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यू कहता था आपसे कि जो आपका ए यूनियन, जैसे ए सेट देता था मैं आपको और बी सेट देता था, तो क्या ए यूनियन बी में कभी कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, चेक करो। अगर होते, हाँ होते हैं। और बी सेट दिया तो ए यूनियन बी बनता कैसे है, दोनों को लपेट के ही तो बनता है भाई। ए हाँ सर, लेकिन मान लो सारे एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट। क्लियर है, नहीं है बेटा, क्लियर है, नहीं है अनुपमा, अनुपमा क्लियर है? हाँ सर। सर मैं ये बोल रही थी अगर दो सेट है हमारे पास और एक में 1 to 5 एलिमेंट्स है और एक में 6 to 8, तो अगर हम इसका यूनियन बनाएंगे तो 1 to 10 लिखेंगे, तो इसमें कुछ तो कॉमन नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात। अगर सर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, अगर उस सेट ए में 1 to 5 एलिमेंट्स है और सेट बी में 6 to 10 है, तो अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना। आपने कहा एक सेट ए है उसके अंदर क्या है, 1 से 5 तक, 5 तक हाँ। अच्छा, और एक में 6 to 10, 6 से 10 तक हाँ। तो फिर अगर इसका यूनियन बनाएंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा ना, ए यूनियन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये तुम कह रहे हो है? यस सर। सर कॉमन तो इंटरसेक्शन में चाहिए होता है ना? नहीं, अगर देखो ध्यान से, मैंने कहा ए सेट का एलिमेंट है, अगर 1 से लेकर 6 की बात करोगे तुम, तो आपने ए सेट के अंदर प्लॉट कर दिया 1 से लेकर 6 तक, और बी के अंदर 7 से लेकर 10 तक प्लॉट करोगे, नहीं समझे बेटा? समझ आया नहीं आया? नहीं सर। तो सर जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा सर वो ब्लैंक रहेगा? ब्लैंक नहीं रहेगा बेटा, उसके लिए अलग नाम है, जो ब्लैंक होते हैं उसके लिए अलग होता है। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार पेज नंबर 15 निकालो, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 15 निकालो। निकालिए एनसीईआरटी का पेज 15। निकाला? हाँ सर। देखो कैसा बनाऊंगा, देख लिया सर। हाँ जी, तो ये बेटा देखो, अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मान लो अगर ए सेट है, किसी ने कहा मुझसे, तुमने कहा मुझे कि सर जो मेरा ए सेट है वो है 1 2 3 4 5 ऐसा ए सेट है, और बी है मेरा मान लो 6 7 8, यही तुम कह रहे हो ना कि बी सेट है मेरा 6 7 8 9 और 10, है ना, यही कहना चाह रहे हो तुम? हाँ सर, यही कहना चाह रहे हो तुम, ठीक है। तो अगर मैं इसके यूनिवर्सल की बात करूंगा, यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पूरा 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट होंगे, 1 से लेकर 10 तक। यस सर। या कुछ और भी हो सकते हैं,
अब एक बात देखो, अब अगर मान लो मैं यहाँ से ए सेट प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, क्या प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ए सेट। तो मान लो मैंने ये ए सेट प्लॉट करा, ये क्या है, ए सेट प्लॉट करा मैंने, इसके अंदर क्या होगा, वन से लेकर फाइव तक तो कुछ भी होगा, ठीक है। अच्छा इसका ए यूनियन बी बनाओ पहले, इसका ए यूनियन बी बनाओ पहले, ए यूनियन बी क्या बनेगा इसका, वन टू टेन, वन से लेकर टेन तक सारे। अब आपने कहा ए को पूरा शेड कर दिया, बी को पूरा शेड कर दिया, दोनों को पूरी तरीके से, नहीं समझे, दोनों के अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए एक से लेकर। लेकिन सर जो वो कॉमन शो कर रहा है वो बोल रही हूँ मैं, ये इसको हटाना चाहते हो बेटा, रूल है ये, रूल की तरह ध्यान रखना है इसे, जो माइनस करने सर कॉमन ही है, कॉमन क्या सर, कॉमन में फिर फाइव होगा, फाइव एलिमेंट नहीं होता सर, वो तो सबसेट। बेटा देखो आप सिर्फ इसे एज अ रूल याद रखो, अभी इसको आप एज अ रूल याद रखो कि अगर ए यूनियन बी प्लॉट करना है तो ए भी पूरा शेड कर दो और बी भी पूरा शेड कर दो, बात समझ आ रही है। ए देखो, अगर एक बात देखो, इसको आप दूसरी तरफ से समझ रहे हो, आप इसको एक तरफ से ऐसे समझो, मैंने कहा ए यूनियन बी बना हुआ है, मेरे सामने क्या पड़ा हुआ है, ए यूनियन बी, मैंने कहा ये मेरे सामने ए यूनियन बी है, यहां से रीड करने की कोशिश करो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, या तो वो ए में रहा होगा या तो वो बी में रहा होगा भाई, या तो वो ए में रहा होगा या तो वो बी में रहा होगा, बात समझ आ रही है। बस या तो ए में रहा होगा या तो बी में रहा होगा का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ए में रख कर दो और पूरा का पूरा बी शेड कर दो। अच्छा इस सिचुएशन में कुछ कॉमन नहीं है, इस सिचुएशन में कुछ कॉमन नहीं है, ये एक अलग स्पेशल केस है। बाकी अगर मुझसे वो कहता है कि यूनियन आपको ए यूनियन बी प्लॉट करना है तो आप इसी तरीके से करेंगे कि ए पूरा शेड कर दो और बी पूरा शेड कर दो, अगर कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कॉमन है तो क्या ये कहना गलत है कि मुझे मेरे सारे एलिमेंट्स मिल सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि ए यूनियन बी ढूंढना चाहता हूँ वन से लेकर टेन तक, तो इसके अंदर मुझे नहीं मिलेगा क्या वन से लेकर टेन तक? सर मिल जाएगा, लेकिन मतलब जो मैं बोल रही हूँ उसको पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। अगर हम देखें तो जो हम क्या कहते हैं इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें कॉमन पॉइंट होता है जैसा हमने पहला देखा, लेकिन वैसा ही हम इसको भी कर रहे हैं। देखो एक चीज समझो, अगर मान लो इंटरसेक्शन की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो ए में भी, जैसे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है या तो एक्स बिलोंग करता है ए से या तो एक्स बिलोंग करता है बी से, ये मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, यानी कि एक्स ए में भी आना चाहिए और बी में भी आना चाहिए। तो इसको रीड करो, इसको रीड करके ये क्लियर हो रही है पिक्चर, इसको रीड करके ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखना ए में भी आना चाहिए और बी में भी आना चाहिए, तो यही वो हिस्सा है जो ए में भी आता है और बी में भी आता है, ये क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जब आप इस सिचुएशन को रीड कर रहे हो तो क्या इस सिचुएशन को रीड करके ये ग्राफ आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, तो इस ग्राफ की हाँ सर समझ रही हूं बना पा रहे हैं कि इसका मतलब मुझे ये मिल गया। अब अगर मैं यूनियन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, यूनियन की, तो यूनियन का मतलब क्या है, ए यूनियन बी वन से लेकर टेन तक है, मैं ढूंढने जा रहा हूँ ए यूनियन बी को, तो मैंने कहा ये शेड पड़ा हुआ है, तो क्या ऐसा होगा कि मैं अपने यूनियन को ढूंढ नहीं पाऊंगा, ये बात इसको क्लियर नहीं कर रही, कर रही है ग्राफ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है या तो ए में रहा होगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो वो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा, बात समझ आ रही है? हाँ नहीं समझे, अगर जो आपने ये वाला केस है ना, इस वाले केस में आपका ऐसे बना देना, आप इस वाले केस में ऐसे बना देना, ए पूरा शेड कर देना, बी पूरा शेड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे? ठीक है सर, ठीक है चलो अब अगला देखते हैं। अगला कहता है ए माइनस बी, ए यूनियन बी प्लॉट कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी प्लॉट कर लिया, अगला देख लो ए माइनस बी प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सबसे पहले उसे ए का एलिमेंट होना पड़ेगा, रॉली का यही सीखा था आज, उसे क्या होना पड़ेगा, ए का एलिमेंट होना पड़ेगा, किसका एलिमेंट होना पड़ेगा, ए का, तो इसका मतलब ए पूरा शेड कर दो पहले, ए पूरा शेड कर दिया हमने तो ये ए का एलिमेंट है। अब इसमें से चेक करना, इसमें से ये ए है और ये बी है, कौन से नंबर ऐसे हैं जो बी के एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ इतना हिस्सा ही तो बी का है, बात समझ आ रही है, ये किसका है, ये ए का भी है और बी का भी है, ये हिस्सा ए का भी है और बी का भी है, और हमने क्या कहा था इसको, किसका मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन से हैं, इसको हटा दो, क्लियर है ये बात? सर मैं इस चीज को ऐसे समझती हूँ कि ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है,
ए में से बी के एलिमेंट को निकाल देना है, चलो ऐसे समझते हो, ऐसे समझ लो, ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दो। तो ये ए पूरा था, देखो चेक करो, अगर मैंने आपके सामने एक ये ए बनाया और एक ये बी बनाया, ठीक है, अब ए के एलिमेंट पूरे आपको शेड करने के लिए कहा, आपने ये शेड कर दिया, अब इस ए में से बी को निकाल दो, अब बी कौन सा है इसमें, इसमें इतना सा हिस्सा ही तो बी का है, इसको निकाल दो, बात समझ आ रही है? हाँ, बस हाँ सर, ए माइनस बी, क्लियर है बाकी सभी को? क्लियर है यस सर। बाकी और बच्चों ए माइनस बी क्लियर है? यस सर। चलो ए माइनस बी क्लियर है, अगला देखो, अगला है आपका बी, बी माइनस ए करना होगा तो बी वाला इधर कर देना, क्लियर है? ठीक है सर। चलो अब ए माइनस बी के बाद देखना, ए माइनस बी के बाद देखना ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट भी तो पढ़ा है, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। कोई बोले यूनिवर्सल क्या है, तो पूरी दुनिया यूनिवर्सल है, ये ऐसे कर दोगे तो पूरा यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना, ए को माइनस करने का मतलब क्या है, अगर ये ए है तो इसके अंदर शेड नहीं होगा, बस बाकी हर जगह शेड होगा, क्लियर है? यू माइनस ए का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, ए को हटा दिया, क्लियर है बात बच्चों? बोलो क्लियर है नहीं है? यस सर क्लियर है। चलो अगला, यस सर अगला देखो, अगला देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या कह रहा हूं मैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से बी ए यूनियन बी हटा दो, ये यूनिवर्सल है, ए यूनियन बी हटा दो का मतलब क्या है, ये ए है और ये बी है, ए यूनियन बी मतलब पूरा ये, इसको छोड़कर बाकी सारा, क्या ये क्लियर है, ये यूनिवर्सल सेट है? यस सर। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्लियर है? हाँ सर। चलो अब एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ट्राई करोगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट खुद से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट खुद से ट्राई करोगे एक बार, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? सर कॉमन के अलावा सारा शेड होगा। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉमन हिस्से को हटाकर सारा शेड होगा, वेरी गुड, शेड हो जाएगा, सारा शेड हो जाएगा, बात समझ आ गई? चलो अब लिखो डी मॉर्गन्स लॉ, लिखना डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं अब, एक सेकंड, क्या कहता है ध्यान से देखना, क्या कहता है, एक बात बताओ इसको जानते हो, इसको जानते हो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को? यस सर। ये पता है ना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, इसके इक्वल है ए इंटरसेक्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, इसी को डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। एक बार देखो वेन डायग्राम से प्लॉट करके दिखाऊंगा, ये चीज भी और ये चीज भी, दोनों की दोनों सेम आएंगी, चेक करते हैं कैसे, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा हमें। देखो क्या है, पहला क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अभी अभी बनाया था, ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अभी बनाया था, क्या था, यूनिवर्सल सेट ए बी। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, यानी कि ये सारा, ये बात समझ में आती है, अगर ये ए और ये बी सेट है तो क्या करना था, ए यूनियन बी जो पूरा से हमारा पूरा शेडेड होता है उसमें से हमने यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। अब राइट हैंड साइड देखो, अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ, पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाओ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट है, अब ए सेट को छोड़कर बाकी सारा शेड कर दो, ए सेट को छोड़कर बाकी सारा शेड कर दो, यही मतलब है ना ए कॉम्प्लीमेंट का, इसको भूल जाओ। यस सर। ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब है। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट देखो, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर मान लो यहाँ बी सेट होता, अगर मान लो यहाँ बी सेट होता तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता, बी को छोड़कर बाकी सारा शेड कर दो, यहाँ मत समझो अलग से समझो, तो आपको हाँ सर समझ गए, यहाँ समझो मान लो बी सेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़कर बाकी सारा शेड कर दिया, अब जो दोनों का कॉमन हिस्सा है,
अब जो दोनों का जो कॉमन हिस्सा है ना, आप ए को शेड कर सकते, नहीं समझे ना आप ए, देखो ना ए शेड हो रखा ना बी शेड हो रखा, दोनों को जब मिक्स करूंगा तो ए बी का हिस्सा छोड़कर बाकी सारा शेड करूंगा, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर है सर? एक कॉमन वाला समझ नहीं आया, देखो एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, देखो ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैंने इसको शेड क्यों नहीं करा, मैंने इस हिस्से को शेड क्यों नहीं करा, क्यों? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बनाना था, ए कॉम्प्लीमेंट में शेड हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़कर इधर वाला शेड हो गया, जब दोनों के कॉमन की बात आई तो यही हिस्सा कॉमन था जो शेड होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में यही था, बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो जब दोनों के कॉमन की बात होगी तो यही हिस्सा कॉमन निकल कर आएगा, क्लियर है? यस सर। चलो अगला देखो, अगला कहता है ये था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर, ऐसे ही एक और कहता है हमारा डी मॉर्गन लॉ ही कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, इन्हें एज अ रूल याद रखना, क्वेश्चंस में यूज होंगे ये, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। चेक करो फिर से एक बार लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, तो दोबारा से इसको मिटा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है चेक करना, ए और बी जो दोनों में कॉमन है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से वो हटा दो, यू में से वो हटाने का मतलब ये शेड नहीं होगा बाकी सब शेड हो जाएगा, ये शेड नहीं होगा बाकी सब शेड हो जाएगा, क्या ये बात क्लियर है सबको भाई? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़कर बाकी सारा शेड कर दो, कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी। राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड कहती है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ दो, तो जब तुम ए कॉम्प्लीमेंट जोड़ोगे चेक करना, ए को छोड़कर तुमने सारा शेड कर दिया, ए को छोड़कर तुमने सारा शेड कर दिया, ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़कर तुमने सारा शेड कर दिया, जब तुम बी को छोड़कर सारा शेड करोगे, किसको छोड़कर, बी को छोड़कर सारा शेड करोगे, तो जो दोनों का इकट्ठा हिस्सा होगा वो क्या होगा, ये पूरा, ये हिस्सा छोड़कर, देखो ये हिस्सा क्यों छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जब मैं इकट्ठा कर रहा हूं तो ये हिस्सा कभी भी नहीं आ पाया, बात समझ आ रही है, ये हिस्सा कभी भी नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि जब मैंने ए को छोड़ा, जब मैंने ए को छोड़कर सारा शेड करा तो पूरा शेड हो गया, ये हिस्सा गोल वाला शेड नहीं हुआ, पर जब मैंने बी को छोड़कर सारा शेड करा तो ये वाला हिस्सा पहले भी शेड नहीं हुआ था और दोबारा भी शेड नहीं हुआ, बात समझ आ रही है बच्चों? बात समझ नहीं आया सर, एक और बार रिपीट कर दो। चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, रोलिका देखो ध्यान से, देखो एक बात समझना, जैसे मान लो मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट बना के दिखाओ, तो आपने कहा कि सर जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगी तो जो मेरा ए सेट होगा इस ए सेट को छोड़कर बाकी सारा शेड कर दूंगी मैं, तो आपने ये शेड कर दिया, ठीक है, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट की बात हुई तो पूरा सब कुछ शेड हो गया, ए का हिस्सा छूट गया, अब जब बी कॉम्प्लीमेंट की बात हुई, अगर मान लो यहां पर बी होता, बी सेट भी होता, क्योंकि हमें तो एक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना था, उसके अंदर बी भी जरूर होगा, अब अगर मैं जब ए कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं तो इतना हिस्सा चेक करो, जब क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ए को तो शेड कर नहीं सकते, यानी कि ना मैं शेड कर सकता इस वाले हिस्से को और ना मैं शेड करता कर सकता इस वाले हिस्से को, अच्छा बी को शेड कर सकता हूँ क्या, हाँ बी के इस वाले हिस्से को शेड कर सकता हूँ मैं, बी के इस वाले हिस्से को शेड कर सकता हूँ, नहीं शेड कर सकता, क्या ये बात क्लियर है अभी तक? ए कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर ए और बी सेट बना रखे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये समझ में आ रहा है आपको? अब एक बात बताओ, अब मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट बी सी के अंदर बनाना है, तो जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर बनाऊंगा तो आप कहोगे कि सर बी को शेड नहीं करना, तो जब मैं बी को शेड नहीं करूंगा, किसको शेड नहीं करूंगा, बी को शेड नहीं करूंगा, तो क्या मैं ए को शेड करूंगा, इसको शेड करूंगा, हाँ इस बार इसको शेड करूंगा, बट ये वाला हिस्सा शेड नहीं होगा, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट बनाया था तो इधर वाला हिस्सा शेड हो गया था, जब बी कॉम्प्लीमेंट बनाया तो इधर वाला हिस्सा शेड हो गया, यानी कि ये इस साइड वाले हिस्से तो दोनों शेड हो गए, जब दोनों को जोड़ूंगा तो सिर्फ कौन सा हिस्सा शेड नहीं होगा, बीच वाला, बात समझ आई? Okay. Yes, sir. है ना, जब ए कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं
जब ए कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ तो ए का ये हिस्सा शेड नहीं हो रहा, जब बी कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ तो बी का ये हिस्सा शेड नहीं हो रहा, यानी कि कुल मिला के क्या नहीं हो रहा, जो दोनों का कॉमन हिस्सा है वो शेड नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये हमने वेन डायग्राम से भी सीख लिया। क्लियर है, बात समझ आती है इतनी? चलो हाँ जी सर। हाँ जी, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आती है बच्चों तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1.5 तक खत्म कर सकते हो। तो यानी कि जो अगली क्लास है हमारी, जो अगली क्लास होगी अब हमारी, उसके अंदर हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या मतलब, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड्स कह रहा हूँ, जो आप एग्जाम में आएंगे वो आने वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। मतलब हालांकि अभी भी हम ऐसा नहीं है कि 1.4 तक कुछ नहीं कर पाए, 1.4 तक एक क्वेश्चन नहीं कर सकते हम, बाकी सारे कर सकते हैं। नहीं समझे सर, एक बार और रिपीट कर दो। किस चीज को? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, जो आपने बोला। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि 1.4 के तक सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़कर हम बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 3 नहीं कर सकते, 3 भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा एक लॉजिक लगेगा, उसके एक बार आपको पैटर्न बन जाएगा ना सॉल्यूशन लिखने का, तो फिर आप इजीली कर पाओगे। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि 3rd क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे। अच्छा, 1.4 तक तो हो सकते थे, अब 1.5 भी हो जाएगी। डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट। देखो याद रखने का आसान तरीका है, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मांगेगा तो यू को उल्टा यू बना दो, यू को उल्टा यू बना दो, ब्रैकेट हटा दो, दोनों पे लगा दो। देखो चेक करो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू को बदल दो, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगा दो, यू को बदल दो, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगा दो। यहाँ चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इसको बदल दो, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगा दो। नहीं समझे? क्या कहा? यस सर। बदल दो, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगा दो, इस निशान को बदल दो, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगा दो। डी मॉर्गन्स लॉ है, जो दिखेगा उसका उस हिसाब से लगा लेना। अगर ये दिखेगा तो निशान बदल देना और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगाना, निशान बदल देना, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगाना, तो अब आसानी हो जाएगी याद करने में। क्लियर है? यस सर। क्या याद रहेगा डी मॉर्गन्स लॉ के लिए, निशान बदल देना, क्या है निशान बदल देना, यानी कि यू सीधा होगा तो उल्टा कर देना, उल्टा होगा तो सीधा कर देना, और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगा देना, निशान बदलो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लगाओ, डी मॉर्गन्स खत्म। बात समझ आ गई? हाँ सर। चलो तो अब 1.5 तक ट्राई कर लेना, 1.5 तक के 7th क्वेश्चन तक आपका जो मैं होमवर्क लिख के भेज दूंगा। सो 1.4 और हार्ड मतलब मेजरली आपकी जो होमवर्क रहेगा वो 1.4 और 1.5 ही रहेगी। सो 1.5 तक आप सारे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो, जो भी दिक्कत आएगी वो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास से अच्छे क्वेश्चन कराने स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब संडे? नेक्स्ट क्लास मतलब बच्चों संडे, हाँ संडे को लूंगा आपकी, चैप्टर खत्म करते हैं, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है? चलो गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच बच्चों। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर, बाय।